अपमान। आपने मुझे वो औरत बना दिया जो तुम्हारे लिए बम की हैसियत रखती है। मुझे हाथ लगाओगे मरोगे साथ। ये मिल का बेल का ये जो ये मीटर है इसका किराया किस खाते में आता है? मीटर तो हमने खरीद लिया, हम मीटर आपसे मांगते हैं। हमारा नहीं जो कोई भी सारे जी गवर्नमेंट को पैसे लेके देती है, पैसे लेती है कि नहीं लेती भाई? गवर्नमेंट पैसे लेती है नहीं लेती? बिल का लेती है ना मीटर के। जब मीटर के पैसे ले लिए तो उसका किराया क्यों? आपको शायद इस टाइम नहीं पता, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क अगर हम इसी इसको गरीब हमने किया, ये ठीक नहीं होगा। इसको गरीब हमने किया नहीं किया? नहीं हमने। इनका है जिनके अर्दली फ्री है, जिनके बावर्ची फ्री है, जिनके माँ लोग जो अच्छी तरह बनाना, एक एक लफ्ज मैं पहुंचाना चाहती हूँ उन लोगों तक जिनको अर्दली फ्री, माली फ्री, बावर्ची फ्री, सफाई स्वीपर फ्री है, जिनके घरों के साथ 10-10 कनाल के मकान वो बने हुए, सहन बने हुए हैं, जिनके लिए ड्राइवर फ्री है, पेट्रोल फ्री है, ये सारे टैक्स वो लोग खाते हैं। हमने पाकिस्तान को गरीब नहीं किया। ये दीन पढ़ने आई है, आप अपने नबी का काम कर रहे हैं, कुरान के हुक्म पर पूर चल रहे हैं। लो लाना पड़े, अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान पाक में। ला लो दिखाए जरा, ये किस किस गैस वाला किधर है? आ जाओ, ये मीटर किसके नाम पे है बताओ? ये कौन सा वाला मीटर है? ये जो इधर आए इनके पास बेच रहे। आ जाओ आ जाए, इधर तशरीफ लाए, मैं आपको आपकी कहानी सुनाती हूँ। आपको लगा आपका किसी आम औरत से वास्ता पड़ा है? मुझे ना सन 2007 से लड़ना आ गया आप लोगों से, और ना मैं मौत से डरती हूँ ना मैं किसी और चीज से डरती हूँ। इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी। फिर मुझे बैंक जाना पड़ा, ये मीजान बैंक, वहाँ जाकर मैंने मुजाहरा किया तो एक मिनट में काल उनकी आ गई। मैडम पहुँचे आपको जी 4 महीने के बाद? नहीं वहाँ जमा करा दिए थे वहीं पर, मतलब हमें नहीं दे रहे थे कि हम जाके डायरेक्ट सुई है सालों को दे देते। वो चले गए मोबाइल थोड़ा सा चेक कर लो चले, इंशाल्लाह आप चले जाओ। बच्चों को पढ़ाना छोड़ के आ जाओ, कल डीसी साहब ने भी ये किया। आप आ जाए मैडम, हम अपने भाई छोड़ के वहाँ गए, डीसी साहब का धमाल ही बंद हुआ। हम आ गए हैं चल के, आपके पास हम आ गए हैं चल के, हम आपको ये फैसिलिटी रिस्टोर करके देते हैं। आपसे गुजारिश है जो आपका बिल बन रहा है वो जमा करो। ये क्या है बिल है कितना? कहा मैं खुद लगाऊंगी, और मैंने उनके सामने खड़े होकर डायरेक्ट किया। पकड़ लो मुझे, खड़ी हूँ इधर मुझे हाथ लगाओगे मरोगे साथ। बिल्कुल वो आप लोगों की वजह से आएगा, हमारी वजह से नहीं आएगा। और ये भी सुन लो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो वादी में अजाब आएगा उसमें सारबान भी सारे बीच में जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया या रसूलल्लाह वो तो गुनाहगार नहीं होंगे। हदीस पूरी मैं आपको सुना देती हूँ ना, आप मुझे हवाला ना दें, मैं सारा दिन हदीस पढ़ाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजाब बेशक एक मतलब सबको पकड़ेगा लेकिन नीयतों के मुताबिक उठाए जाएंगे। सही, कोई और हदीस पेश करो, मैं उसके जवाब तुम्हें देती हूँ पूरी। थोड़े से ऐसे हो जाएं, थोड़े से ये असल में अलाइनमेंट पूरी खराब हो गई। बस अब ठीक है सर, अब सही एक जगह, क्योंकि मैं जो सेंटर में खड़ा हूँ। ठीक है जी। जैसे हमने ये अभी रेड किया G73 में, जामिया मस्जिद अल्फलाह मदरसा जामिया हफ्सा था, तो आपने भी देखा कि यहाँ गैस डायरेक्ट इस्तेमाल हो रही थी। हमें यहाँ कुछ अरसे से इंफॉर्मेशन थी कि गैस का डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जिसपे हमने पहले कोशिश की थी काटने की, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस फेस हुई और डायरेक्ट यूज़ हमें काटने नहीं दिया गया था। तो अभी भी आपने देखा कि कितनी हमें रेजिस्टेंस फेस हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डायरेक्ट कनेक्शन काट दिया है। तो लेकिन आप देख रहे थे कि यहाँ गैस चोरी लगातार हो रही है, और उस पर ये मुसर थे, लाखों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। तो उस सिलसिले में हम जो रेड्स करते रहते हैं, और हमारी जो विजिलेंस टीम्स हैं एरिया में, वो हमें रिपोर्ट्स करती रहती हैं कि किस किस एरिया में कोई वायलेशन या कोई गैस चोरी का केस पाया जाता है। तो जैसे ये G73 जामिया मस्जिद हफ्सा का केस था, तो ये भी हमारी विजिलेंस टीम्स ने रिपोर्ट किया था कि यहाँ गैस का डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो रिपोर्ट्स की बेस पे फिर हमने यहाँ रेड किया, तो रेड का फिर ये रिजल्ट है कि हमने डायरेक्ट आज काट दिया इनका रेजिस्टेंस के बावजूद।
बहुत शुक्रिया सर। ये आपने पुलिस वालों को क्या इत्तला करी थी कि ऐसे बड़े रेट में आपकी हिफाजत के लिए मामूर होना चाहिए पुलिस को? जी बिल्कुल, जैसे हमें यहाँ रेजिस्टेंस आई, पहले भी आई, तो इस केस में भी हमने पुलिस को इत्तला दे दी थी और लास्ट टाइम भी हमने रेस्क्यू 15 पे कॉल कर दी थी ताकि हमें पुलिस सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि ऐसी किसी भी कंडीशन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होने का चांस रहता है। सर ये बताएं कि ये जो वायलेशन हो रही है, इस वायलेशन के अगेंस्ट क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा कि या सिर्फ कनेक्शन काटे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये इंडिया भी आपको दिया है कि हम दोबारा से कनेक्शन आपके जाने के बाद बहाल करेंगे, और किस दफा के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर मुकदमा होगा? और एग्जैक्टली तो आपको आइडिया नहीं होगा कितने की चोरी हुई, लेकिन रफ आइडिया क्या है? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं एग्जैक्टली आइडिया इस वजह से नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया के लिए हमें सिस्टम पे कनेक्टेड अप्लाइंसेस देखनी पड़ती हैं, और ये हमें सिस्टम को चेक नहीं करने देते, अंदर का जो विजिट है वो नहीं करने देते हमें, तो लाखों का अंदाज़ा है तखमीना जो एस्टिमेट के इतने बड़े सेटअप में क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये अंदाज़ा है कि लाखों रुपये की गैस चोरी हो रही थी यहाँ। सर इतने बड़े सेटअप में आपने रेड किया, आपका कहना है कि मैंने 15 पे भी कॉल किया, पुलिस वालों को भी कॉल किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है? पुलिस को हमने लेटर लिख दिया था और पुलिस डिपार्टमेंट से हमने हेल्प मांगी है, पुलिस डिपार्टमेंट बेसिकली इंटरनल विजिट के लिए हमें सपोर्ट करने पर रेडी है, तो आज उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए नहीं आ सके। खुदा ना खासा यहां को हादसा पेश आ जाता तो इसके जिम्मेदार आप थे या पुलिस वाले? हमने इंशाल्लाह जैसे आपने देखा कि उनसे निगोशिएट किया, तो ऐसी नौबत ही नहीं हमने आने देनी थी, लॉ एंड ऑर्डर इंशाल्लाह हमने इस हद तक रख लेना था कि कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा होती। सर आपने डेड किया, गैस चोरी इस्तेमाल की जा रही है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या हाँ जी, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट है जो, उसके तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसकी दफ़ात 462C और 462D है, उन दफ़ात को यूज़ करके इन पर पर्चा काटा जाएगा गैस चोरी का और नेटवर्क से टेम्परिंग का। तो नेटवर्क टेम्परिंग का ये है कि मैक्सिमम सज़ा 14 साल कैद है और इसकी दफ़ात नाकाबिले ज़मानत भी हैं और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन के अंदर कितनी गैस चोरी हो रही थी। थैंक यू। गैस चोरी की देखें, हमें कुछ अर्से पहले से विजिलेंस टीम्स ने इतला दे दी थी, तो लेकिन ये लास्ट हमारा जो यहाँ रेट था वो सक्सेसफुल नहीं हो सका था, तो अकॉर्डिंगली हमने फिर जिस तरह बाकी जगहों पे करते हैं कि प्रॉपर प्लान करके, टीम्स अरेंज करके और लॉ इन्फोर्समेंट से हेल्प लेके, तो यहाँ भी हमने आज का प्लान किया था ताकि हम एक रेड करें जो सक्सेसफुल हो। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया जी, मीडिया हजरात का थैंक यू।